hello everyone so we are solving the back exercise of the chapter solutions and today we will discuss question number 29 so the question is nalorphine c19h21no3 similar to morphine is used to combat withdrawal symptoms in narcotic users dose of nalorphine generally given is 1.5 mg calculate the mass of 1.5 into 10 to the power minus 3 m Aqua solution required for the above dose. देखो कुछ मेडिसिन ऐसी होती जिनको हमें पानी में डाल के लेना होता है ताकि उनकी सारी कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पर ना रहे हाई कॉन्सेंट्रेशन ना जाए बॉडी में तो यहाँ पर आपको कहा क्या गया है बिटा? आपको डोज तैयार करनी है एक सोल्यूशन से उस सोल्यूशन का जो मोलालिटी है वो आपको गिवन है ठीक और वो है solution, मतलब वहाँ पर सॉल्वेंट कौन होगा ठीक है तो देखो बेटा आपको जो solution है उसकी मोलालिटी दी है 1.5 माइनस थ्री एम इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री मोल्स प्रेजेंट होंगे किस पे बेटा मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास तो पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दर माइनस थ्री मोल्स प्रेजेंट इन वन के जी ऑफ वॉटर या फिर हम लिख सकते हैं बेटा वन थाउजेंड ग्राम ऑफ वॉटर मतलब सोलवेट ठीक इतनी बात हमें समझ आई ओके अब क्या करेंगे क्या हम इस मोल्स का मास निकाल सकते हैं देखो सी नाइनटीन एच ट्वेंटी वन एन ओ थ्री यहां से हम निकालेंगे बेटा मोलर मास कितना होगा नाइनटीन इंटू ट्वेल्व प्लस हाइड्रोजन ट्वेंटी वन प्लस कितने नाइट्रोजन इज फोर्टीन प्लस थ्री इंटू सिक्सटीन कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये आएगा बेटा थ्री वन वन ग्राम पर मोल अब आपको क्या करना है ओके okay? तो यहां पर आप निकालेंगे मास ऑफ मास ऑफ वन पॉइंट फाइव इन टू टेन टू दर माइनस थ्री मोल्स ऑफ नेलोफिन इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा कितना होगा? ग्राम. इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी. कैलकुलेट नहीं करेंगे ये आपके पास आ गया इतने मोल्स का मास. तो क्या हम कह सकते हैं अब कि ये जो मास है बेटा वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दाइनस थ्री इंटू थ्री वन वन ये प्रेजेंट है किस में वन थाउजेंड ग्राम ऑफ वॉटर में मतलब इतने सोलवेंट में ठीक है ओके सो वन ग्राम किस में प्रेजेंट होगा बेटा वन ग्राम प्रेजेंट होगा डिवाइड बाय इंटू थ्री वन वन इतने ग्राम वॉटर मतलब सॉल्वेंट क्लियर आपको चाहिए कितना आपको चाहिए वन पॉइंट फाइव मिलीग्राम तो क्या हम यहां पर लिखेंगे वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दि पार माइनस थ्री मतलब इतने मिलीग्राम प्रेजेंट होगा 1000 थाउजेंड डिवाइड बाय वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू माइनस थ्री इंटू थ्री वन वन ये हुआ आपके पास वन ग्राम में जितना था इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने में हमें चाहिए वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री ग्राम वाटर अब यहां पे क्या होगा ये वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री से ये कैंसिल ये बचा वन थाउजेंड डिवाइड बाय थ्री वन वन ग्राम सोलविड इतने ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है बेटा 1.5 ऑफ नेलोरफिन नेलोरफिन ही प्रेजेंट होना चाहिए ओके तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा बेटा 3.22 ग्राम वाटर मतलब सॉल्वेंट तो आपको सॉल्यूशन कितना लेना होगा देखो सॉल्यूशन होता है बेटा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आएगा थ्री ग्राम सोलवेंट प्लस निलोरफिन कितना प्रेजेंट होगा उसमें 1.5 मिलीग्राम्स मतलब 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री ग्राम कितना लिखोगे इसको 3.22 प्लस 0.0015 इज इक्वल्स टू 3.2215 पॉइंट टू टू वन फाइव ग्राम दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन जो रिक्वायर्ड होगा एक डोज रेडी करने के लिए जिसमें 1.5 मिलीग्राम्स क्या प्रेजेंट होगा निलोरफिन ठीक है चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में तब तक के लिए Bye bye!